लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया। बीजेपी ने 30 मई को चुना और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 58 सांसदों ने भी पद की शपथ ली। खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा के लिए बुरी खबर आई है। इस खबर ने भाजपा की पार्टी को फीका कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एनडीए गठबंधन से बुरी खबर आई है। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नाराज हो गई है। इस कारण से जेडीयू ने अपने किसी भी सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके कुल 16 सांसद हैं जो कि विजयी हुए हैं। सरकार शुरू होते ही जेडीयू की नाराजगी भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेडीयू की नाराजगी का कारण उनके महत्व को कम करना है। दरअसल जेडीयू मोदी की टीम में अपनी पार्टी के 2 मंत्रियों की तलाश कर रही थी, लेकिन मोदी ने उन्हें सिर्फ 1 पद देने की बात की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल में किसी को भी शामिल नहीं करने का फैसला किया है। जबकि वो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, फिर भी उनकी नाराजगी जारी है। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी की नाराजगी से बिहार में पार्टी की मेहनत बढ़ गई है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।